बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दिस इज़ 9 ओवर योर स्क्रीन। मोहम्मद उस्मान नीर, योर इंग्लिश टीचर। दिस इज़ द इंग्लिश टाइम। माय डियर 9 क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, एंड यू विल बी इंजॉइंग गुड एंड साउंड हेल्थ। ओके, 9, दिस इज व्हाट क्लास नंबर 9। हेयर आई हैव अ ब्यूटिफुल फिगर 9 ओवर हेयर। ओके, हेयर आई हैव इंग्लिश, सब्जेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश, यस दिस इज इंग्लिश। हेयर आई हैव इंग्लिश ऑन योर स्क्रीन, and here let me show you your beautiful logo of your school, beautiful, the symbol of supreme school, the symbol of supremians people, symbol supreme school and the symbol। my dear students, हम चूंकि कर रहे हैं आजकल आपके जो letters मैं करवा रहा था, तो हमने जो सिलेक्शन थी उसके मुताबिक चलना था, तो अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेक्शन आज आपका जो लेटर है, दिस इज़ द लेटर नंबर 14। राइट अ लेटर टू योर सिस्टर थैंकिंग हिम फॉर अ गिफ्ट। अपनी बहन को ख़त लिखना है और उसको, उसने जो आपको तोहफा दिया है उसका शुक्रिया अदा करना है। ओके, मैंने फिर लेटर शुरू करने से पहले कह रहा हूँ, दिस इज़ व्हाट योर, ये जो आपके ऊपर लिखा हुआ है शाहीन अकेडमी लाहौर जनवरी, ये जो आपकी बिगिनिंग है या आपकी जो डेट है, मैंने आपको इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर दिया हुआ है, पार्ट्स ऑफ अ लेटर। अगर आपको मेरी आवाज़ अब तक नहीं सुनी तो मैं फिर से कह रहा हूँ, बिफोर डूइंग दिस यू हैव टू वॉच माई वीडियो रिगार्डिंग पार्ट्स ऑफ लेटर, उसको आपने ज़रूर सुनना है। राइट साइड पर लिख लें अपनी बिगिनिंग या आपकी डेट, या आप लेफ्ट साइड पे ले आए, नो इशू एट ऑल, नो इशू एट ऑल। ये आप चूंकि राइट और लेफ्ट पे लिखा हुआ है तो आप इसको इसी तरह ही लिख लें। ये शाहीन अकेडमी, वहाँ पर मैं आपको बार बार बताता हूँ, एग्जामिनेशन हॉल लिखना है, ई कैपिटल, एच कैपिटल, सिटी ABC लिखना है नीचे, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, और तीनों के बाद डॉट लगाना है। फिर आपने डेट डाल देनी है, और डेट आज की क्या है, आज है जी 29, आपने लिखना है अगस्त 29, 2020 आपने लिखना है। हेयर वी हैव 2017 बट यू हैव टू राइट 2020। डियर रुखसाना, डियर का डी कैपिटल, रुखसाना का आर कैपिटल और कॉमा, दिस इज़ व्हाट सैल्यूटेशन। और अब आप यहाँ पर जो मर्जी नाम लिख सकते हैं, डियर फ्रेंड लिख सकते हैं, आई होप यू आर इन गुड हेल्थ, मुझे उम्मीद है कि आपकी सेहत अच्छी है। आई रिसीव्ड योर गिफ्ट ऑफ अ रिस्ट वॉच। बच्चों, रिस्ट वॉच जो होता है कलाई की घड़ी, कलाई की घड़ी, रिस्ट कलाई को बोलते हैं। और आई रिसीव्ड, ये सारा का सेंटेंस जो है आपका पास्ट में गया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट। आई रिसीव्ड योर गिफ्ट ऑफ अ रिस्ट वॉच ऑन माई बर्थडे। मैंने अपनी बर्थडे पर आपका कलाई घड़ी का तोहफा वसूल किया टू डेज ईगो, दो दिन पहले। जहाँ पे ईगो आ जाए तो आप लाजमी समझिएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट। इट्स अ ब्यूटीफुल वॉच, ये खूबसूरत घड़ी है, इट्स अ ब्यूटीफुल वॉच, खूबसूरत घड़ी है। आई नीडेड इट बैडली, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। नीडेड आ गया हुआ ना वर्ब, ये सेकेंड वर्ब लगा हुआ है, ये पास्ट वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट। आई नीडेड इट बैडली टू, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। As I happened to lose my watch in a mishap a few days ago, क्योंकि मैंने happened to lose गवा देना, infinitive बना हुआ बेटा, क्योंकि मैंने अपनी घड़ी गवा दी थी in a mishap few days ago, चंद दिन पहले एक हादसे में मैंने अपनी घड़ी गवा दी थी। I promise that I shall take care of it. Take care होता है ख्याल रखना,
और ये चूंकि फ्यूचर टेंस में बना है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसका ख्याल रखूँगा। आई शेल टेक केयर ऑफ इट, आई शेल टेक केयर ऑफ, मैं इसका ख्याल रखूँगा। यहाँ पे आप इट विल आल्सो टू मेक मी पंक्चुअल, और ये मुझे बाकायदा भी बनाएगी। पंक्चुअल होता है बाकायदा, और डिसिप्लिन्ड, पाबंद। इट विल आल्सो हेल्प मी टू मेक मी पंक्चुअल, और ये आपकी घड़ी मुझे पाबंद बनाने में, बाकायदा बनाने में मदद भी करेगी। दिस इज आल्सो फ्यूचर टेंस। एक दो लाइनें और चाहें तो आप खुद से ऐड कर सकते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं कि इट विल आल्सो रिमाइंड मी ऑफ द लव यू हैव फॉर मी इन योर हार्ट। बहुत प्यारी लाइन है ये। इसके बाद आप लिख सकते हैं आई प्रोमिस के बाद, ये इससे पहले भी लिख सकते हैं। इट विल आल्सो हेल्प टू मेक, इसके बाद भी लिख सकते हैं और इससे पहले भी लिख सकते हैं। क्या लाइन है, मैं दोबारा से बोल देता हूँ। इट विल ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ योर लव यू हैव फॉर मी इन योर हार्ट। ये घड़ी मुझे हमेशा इस मोहब्बत की याद दिलाती रहेगी। ये भी फ्यूचर में है बेटा, जो तुम्हारे दिल में, जो आपके दिल में मेरे लिए है। ओके, मैं तीसरी मरतबा फिर जुमला बोल देता हूँ, इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इट विल ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ योर लव यू हैव फॉर मी इन योर हार्ट। ओके, और इसके बाद फिर आप ये लिख दीजिएगा इट विल ऑल्सो हेल्प मी, ये इसके बाद भी लिख सकते हैं। आई थैंक यू अगेन फॉर दिस प्रीशियस गिफ्ट। प्रीशियस और गिफ्ट ये एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन है, कीमती तोहफा। आई थैंक यू, मैं इस कीमती तोहफे का दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। ओके, और यहाँ पे योर्स अफेक्शनेटली लिखा हुआ है, मैंने आपको कहा था ट्रूली इज अ वर्ड यू कैन राइट विद एवरी लेटर, तो योर्स ट्रूली लिखने आसान है। और उसके बाद कॉमा, टी स्मॉल होना चाहिए, वाई आपका कैपिटल होना चाहिए, और इसके ऊपर जो एपोस्ट्रोफी लगाते हैं वो नहीं होनी चाहिए। ओके, नीचे इन्होंने नाम लिखा है, आप नाम नहीं लिखेंगे, चूँकि ऊपर हम बिगिनिंग में हम ये लिखते थे कि हमने ए बी सी लिखा है, तो सिमेट्री के लिए एक्स वाई जी तीनों लेटर कैपिटल और तीनों के बाद फुल स्टॉप। सो दैट्स ऑल फ्रॉम योर लेटर पोर्शंस। आई विल मूव टू योर कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस राइट नाउ। मैं उसकी तरफ अब मूव कर जाऊंगा, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा आपका सिलेबस काफ़ी ख़त्म हो चुका है बेटा। तो ये जो लेटर्स थे ये भी ख़त्म हो गए। टेंसेज आपके परफेक्ट सीरीज थी, उसमें मैंने प्रेजेंट और पास का दोनों करा दिया, फ्यूचर रह गया। और लेसन्स आपके ऑलरेडी 7 कम्प्लीटेड हैं, फिर भी कोई इशू होगा तो मैं आपको क्लियर कराने के लिए तैयार हूँ। अब मैं आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस की तरफ मूव करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। दैट्स ऑल फ्रॉम द लेटर्स पोर्शन। इनको बेटा बार बार देखिए, याद करिए, लिख लीजिए, एक प्यारा सा पेन लें उससे लिखें, और ऐड योर मेमोरी एज वेल। गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज़।